यानी आप अगर माता या पिता हो, आपके बेटे बेटियों के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में अगर कोई गलत बात, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तो बेहोशी में होकर निर्णय मत करो। सोच समझ के, विचार करके, पूरी चेतना के साथ निर्णय करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, कालिके शुभद देवी सूर्यकूट निवासनी रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। ये कथा तो कब की है, सतयुग द्वापर त्रेता उस समय की कथाएं हैं, हम तो रहते हैं कलयुग में। हमारे को आज तक जिंदगी में मधु पेटक जैसा राक्षस मिला नहीं, कान से कभी कोई राक्षस उत्पन्न हुआ नहीं, नाभि से कोई ब्रह्मदेव निकलते नहीं, समुद्र में हम रहते नहीं, पानी ही पानी हो ऐसा होता नहीं। हमारी जिंदगी की समस्याएं अलग है, ऐसा हमारे जीवन में कोई घटना नहीं घट रही, लेकिन फिर भी इस कथा को तो हम सुन रहे हैं। हमें क्या लाभ है इस कथा के सुनने से? ये जो सार है यही महत्वपूर्ण है। कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन सार क्या है महत्वपूर्ण ये। अब हम उस सार को समझते हैं। भगवान विष्णु की दो संतानें समझ लें इस कथा में। एक संतान कौन है जो मधु के टप से भी पहले पैदा हो रहे, भगवान ब्रह्मदेव, कहां से? नाभि से। दूसरी संतान मधु और केटव, कहां से? कान से। एक का नाम है मधु, एक का नाम है केटव। लेकिन ये मधु और केटव जैसा राक्षस पैदा हुए। अब सवाल ये है कि अक्सर एक बात कही जाती है समाज में कि माता पिता अच्छे होते हैं तो बच्चे भी अच्छे होते हैं, ऐसा कहते हैं। अच्छे माता पिता के बच्चे अच्छे होते हैं तो भगवान का बच्चा राक्षस कैसे हो गया, जबकि भगवान विष्णु से ही तो पैदा हो रहा है। मधु और केटव उन्हीं की संतान हैं, तो फिर वो राक्षस कैसे हो गए? भगवान का बच्चा तो भगवान ही होगा ना, राजा का बच्चा राजा ही होगा ना। अब बुद्ध के घर में, बुद्ध के पिता के राजमहल में कोई सिद्धार्थ जैसा राजकुमार ही तो पैदा होगा, कोई भिखारी थोड़ी पैदा होगा, और भिखारी के घर में कोई राजकुमार थोड़ी पैदा हो जाएगा। जैसे पिता है जैसे माता है वैसे ही होगा। अगर आम का फल सड़ा हुआ है तो इसका मतलब आम के वृक्ष में दीमक लगी है, यानी वृक्ष भी सड़ा है। सड़े हुए वृक्ष से सड़े हुए फल उत्पन्न होंगे, ऐसा होता है। तो भगवान विष्णु के ही शरीर से उत्पन्न दो उनकी संतानें राक्षस कैसे हो गई, और कब ऐसी संतानें राक्षसी होती हैं, उसके पीछे गहरा मर्म है। कब ये दोनों पैदा हुए, याद करो कथा को, कब पैदा हुए मधु और केटव? उस समय भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? सो रहे थे। बच्चे को याद है? बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई भी करना, सारा लेसन याद रहेगा। जब सो रहे हैं, अर्ध निद्रा में हैं, यानी जागृति में नहीं है, यानी बेहोशी में है, नींद में है, नशे में है, तो उस समय कोई काम किया जाएगा तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा? अब मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है, रात हो गई और नींद आ रही है, और आप कुछ लिख रहे हो, है ना, लिख रहे हो और नींद आ रही है, तो उसके बाद अक्षर तो बड़े सुंदर सुंदर बनेंगे ना नींद में, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम लाइन से चलेंगे, नहीं पता चलेगा एक लाइन से चार लाइन आगे, पेन उधर से उधर, कॉपी के बाहर नीचे। एक छोटे भैया को मैंने देखा, वो जब नींद में आता था ना ऐसे लिख रहा है, लिखते लिखते कुछ देर के बाद टेबल पे लिखने लगता था, कॉपी से भी बाहर निकल के टेबल पे लिखेगा, है ना। तो ऐसा होता है ना, यानी नींद में किया गया प्रत्येक कार्य गड़बड़ ही होता है।
बेहोशी में है ना, दिमाग कहीं और है, दिमाग तो सो रहा है, हाथ अकेले क्या चलेगा। तो निंद्रा में है तो दो राक्षस पैदा हो गए और वो दोनों राक्षसों के नाम भी बड़े अच्छे हैं, एक का नाम है मधु, एक का नाम है केटव। मधु का मतलब क्या होता है? मधु का मतलब क्या? मधु यानी शहद, मधु यानी मीठा। तो उस राक्षस का नाम मधु है। तो जो राक्षस है वो मीठा मीठा है लेकिन फिर भी राक्षस है, और दूसरा भी राक्षस है लेकिन उसका नाम क्या है? केटव। केटव कैसा है? कटैला, कर्कस, कड़वा, केक्टस के पौधे जैसा, कांटे ही कांटे। यानी वो कड़वा है वो भी राक्षस है, ये मीठा है ये भी राक्षस है, और दोनों कहां से पैदा हो रहे हैं? कान से। अब जरा सोचिए, कभी आप लोगों के कान से कोई राक्षस पैदा हुआ? किसी के हुआ? हाथ उठाइए। नहीं, किसी के कान से नहीं। आपको पता है आपके गांव में कई लोगों के कान से मधु और केटव जैसे राक्षस कई बार पैदा हो चुके हैं और होते हैं आज भी। कैसे पैदा होते हैं? अब जरा सिचुएशन समझिए। एक माँ का छोटा बच्चा है, एक माँ का छोटा बच्चा है, इकलौता बच्चा है। बड़ी मुश्किल से, मन्नत से शीतला मैया के पास आके बड़ी प्रार्थना करती है, मेरी कोई संतान नहीं, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो माता का आशीर्वाद मिलता है और मैया एक संतान दे देती है, एक बच्चा जन्म ले लेता है, एक बेटा लाडला। लाडला एकदम लाडला यानी घी का लड्डू टेढ़ो भला, जैसा भी होगा। उस बच्चे को पता है कि मैं तो इकलौता हूं, माँ हमेशा मीठी मीठी बातें करती है, मीठा मीठा ही बच्चे को बोलती है, और माँ के मीठे मीठे शब्दों से बच्चा बनता नहीं है, बिगड़ने लगता है। अक्सर बच्चे जिद्दी हो जाते। दुर्योधन को भी तो माता और पिता ने मीठी मीठी बातें करके दुर्योधन के सारे नाजायज मांगों को पूरा करते चले गए। नतीजा क्या हुआ? मीठा ही मीठा तो बोला ना, और नतीजा क्या हुआ कि दुर्योधन अच्छा नहीं बुरा इंसान बन गया, और सिर्फ अपनी बुराइयां उसकी इतनी बड़ी कि अकेले नहीं मरा, अपने साथ 99 भाइयों को भी मरवा डाला। यानी मीठी मीठी बातें, अगर सिर्फ मीठी मीठी बातें भी कर रहे हो तो भी बुराइयां उत्पन्न कराती है, या फिर आप अगर मीठा मीठा ही सुन रहे हो तो भी बुराइयां उत्पन्न होती है। कल मैंने कहा था ना एक नौजवान के बारे में कि उसके मित्र मीठा मीठा बोलकर उसको शराब पिलाने लगते हैं, ड्रग्स पिलाने लगते हैं, और अंत में वो बच्चा जब बेहोश हो जाता है नशे में आकर तो बोरे में बांध करके नाले में फेंक देते हैं। मीठा मीठा बोलकर ही तो मित्रों ने कहा था कि चलो ना हमारे साथ, ये खाओ ये पियो ना, तो मीठा मीठा कान में बोला और कर्म किया गलत, तो यहाँ पे मीठा मीठा मधु नाम का राक्षस पैदा हो रहा है। अब जहां राक्षस होगा वो क्या करेगा? राक्षस जहां होगा वो तहस नहस करेगा, बर्बाद करेगा। आपके भी जीवन में याद रखिएगा कि अगर कोई आपका मित्र, कोई आपका रिश्तेदार आपको मीठा मीठा बोलकर गलत कार्य कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसका मतलब आपके कान से अब मधु नाम का राक्षस पैदा, अब आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी मीठा मीठा बोलकर। दो भाई बड़े प्रेम से रह रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, बचपन से खूब अच्छी दोस्ती है, तब तक दोनों भाइयों में से किसी एक भाई से किसी तीसरे इंसान की दोस्ती होती है और वो कहता है अरे तुम मर मर के कमाते हो, मेहनत कर कर के कमाते हो, और तेरा बड़ा भाई तो है आराम से मौज मस्ती करता है और ठाट से रहता है, छोड़ो बंद करो, अलगाव कर लो, बंटवारा कर लो, हिस्सेदारी अलग अपनी मांग लो, छोड़ो उसको, जब तुम अलग हो जाओगे ना तब उसका होश ठिकाने आ जाएगा। छोटा भाई कहता है मेरे भैया ऐसे नहीं है, मेरे भैया बड़े अच्छे हैं, वो भी मेहनत करते हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारा मित्र हूं ना, मैं तुम्हारा साथी हूं ना, मैं तो दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं। तुम ऐसा करो, देखना तेरा भाई बड़ा छल कपटी वा है, बहुत बेईमान है,
बहुत ज्यादा वो तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे उस मित्र ने क्या किया, मीठी मीठी बातें कान में कह कह के दोनों भाइयों में फूट डाल दिया, बंटवारा करा दिया। और सिर्फ बंटवारे तक बात नहीं रही, लड़ाई झगड़े करा दिया। और बात सिर्फ लड़ाई झगड़े तक नहीं, केस मुकदमा तक भी बात चली गई। और अंत में दोनों भाई केस लड़ रहे हैं, सालों तक केस लड़ रहे हैं। तो उन दोनों भाइयों की केस की लड़ाई में जमीन किसकी बिकेगी, उस तीसरे इंसान की बिकेगी या इन दोनों की बिकेगी? यानी वो मीठा मीठा बोल करके इन दोनों भाइयों के जीवन में राक्षस का काम किया ना। यही से मीठा मीठा बोल कर हमारे कानों में राक्षस मधु नाम के राक्षस को जन्म दिया जाता है। एक बड़ी अच्छी बहू आ गई है घर में, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, आपकी भी बहू बड़ी अच्छी अच्छी आती होंगी। बहुत अच्छी बहू आई है घर में, बहुत सुशील है, बड़ी शांत है, बहुत अच्छी है और बहुत शांति से रहती है, आपकी सेवा करती है, आपकी तेल वल की मालिश भी करती है ना। और जब सर में दर्द होता है तो फिर थोड़ा सा सर को भी दबा देती है, ठीक है। आपकी बहुएं सर दबाती है कि नहीं दबाती हैं? बहुत सारी बहुएं बैठी होंगी, आप लोग अपनी सासू माँ की सेवा करती हो कि नहीं? हाथ उठाना जरा, जो जो करती है करती है ना। कभी भी सर में दर्द हो तो सर वर दबा देना चाहिए, है ना, लेकिन गले में दर्द हो तो मत दबाना, हाँ ये काम मत करना। तो सेवा करना चाहिए। अब बहू अच्छी आ गई, सासू माँ बहुत खुश है, मेरी बहू तो बस मेरी बेटी है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी मिली है। अब सासू माँ बगल की पड़ोस की माता जी को कहती है, अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, बेटी है वो, बस मेरे साथ आ गई है। अब बगल की जो माता जी है उसकी बहू तो है बिल्कुल चंडी देवी, है ना, वो तो खूब शतरंज का खेल खेलती है और सास बहू की लड़ाई, सास बहू और साजिश का सीरियल देखती है वो टीवी में, है ना, वो तो पूरा एकदम झंडे गाड़ के रहती है अपना। तो अब बेचारी वो पड़ोस की जो माता जी है वो तो दुखी है अपनी बहू से। अब उनके कानों में ये बात जाएगी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बेटी जैसी है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? तुरंत से धीरे धीरे कहेगी, ज्यादा मत चढ़ा लेना सर पे उसको, नहीं तो कल नौकरानी बना के रखेगी तुमको, सेवा करवाएगी। अब पहले तो माता जी कहेगी, नहीं मेरी बहू ऐसी नहीं है, लेकिन जब रोज 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 वो कहते हैं ना, अगर प्लास्टर पे भी रस्सी आए जाए तो निशान तो बन ही जाता है ना। घड़े को, किसी भी घड़े को कुएं के किनारे आपने देखा होगा कि पानी से भरे हुए घड़े को भी अगर प्लास्टर पे रखोगे तो कुछ दिनों के बाद घड़े का गड्ढा बन जाता है, घड़ा घिस देता है, वो कच्ची मिट्टी का घड़ा घिस देता है उस प्लास्टर को, सीमेंट के प्लास्टर को। तो वैसे ही अगर बुराई आप रोज रोज सुन रहे हो ना, शिकायत, तो सुनते सुनते एक दिन आप उसको स्वीकार करते हो और आपके अंदर का राक्षस बड़ा होता है। अब वो सासू माँ जो तारीफ करती है वो कहती है, नहीं भाई मेरी बहू ऐसी नहीं है, लेकिन रोज रोज पड़ोसन कह रही है मीठा मीठा बोलकर, अरे मैंने भी अपने बहू को बड़ा प्रेम किया था, देखो ना आज मेरे सर पे चढ़कर नाचती है, इसलिए तुम भी अभी से नौकरानी बनाकर उसको रखो, उसको जितना डांटोगी मारोगी शिकायत करोगी उतना ही अच्छी रहेगी। अब वो सासू माँ के मन में कान में वो क्या कर रही है, मीठा मीठा बोलकर मित्र बनकर जहर फैला रही है। अब सासू माँ और बहू के बीच में प्रेम होगा या लड़ाई होगी? हो गया कुरुक्षेत्र, शुरू हो गई लड़ाई। तो आपके घर में लड़ाई कराया कौन? कोई तीसरा आदमी जो मधु नाम के मीठा मीठा बोलकर राक्षस पैदा आपके कान में कराया और आप लोग लड़ रहे हो। और जब आप लड़ने लगोगे तो पड़ोस की माता जी खूब मजे लेंगी, वाह अब मेरे बराबर में आ गई है, अब अकेले मेरे घर में लड़ाई नहीं होती, अब उसके घर में भी लड़ाई हो रही, हो गया हिसाब बराबर। यही है मधु नाम का राक्षस पैदा हो जाता है हमारे जीवन में। अब केटव नाम का राक्षस कैसे पैदा होता है, एक बच्चे की बात बता रहा हूं। MBBS की पढ़ाई कर रहा था, MBBS के एंट्रेंस यानी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो मेहनत कर रहा था, 4 साल से मेहनत कर रहा था। और 4th साल उसने सोचा कि बस इस बार तो मैं निकाल लूंगा, इतनी अच्छी तैयारी थी उसकी, इतनी अच्छी तैयारी थी। पूरी तैयारी करके इम्तिहान के दिन तैयार होकर भगवान की पूजा करके जब घर से बाहर निकलने लगा
माता जी बुलाती और कहती है, बेटा अरे थोड़ा दही तो खाकर जा, जतरा तो बना ले, दही खाकर जाएगा बढ़िया से पेपर होगा और अच्छा अच्छा सब कुछ हो जाएगा, पास हो जाएगा तुम। दही भी खा लेता है बेटा पूरी तैयारी के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ कि इस बार तो मैं पास हो ही जाऊंगा, ये सोचकर वो जा रहा है। रिक्शा पकड़ता है और अपने कॉलेज के सामने पहुंच जाता है। जब वहां रिक्शे से नीचे उतरता है तो रिक्शे वाले भैया को, जो कि घर से पास में ही वो था, तो रिक्शे वाले भैया को वो 20 रुपए निकाल कर देता है। रिक्शे वाला भैया कहता है, पागल हो गए हो क्या, इतने दूर की यात्रा 20 रुपए में? वो कहता है, भैया मैं रोज तो आता हूँ, 20 रुपया तो सभी लोग लेते हैं। लेकिन रिक्शे वाले के मन में बेईमानी आ गई थी उसे, और रिक्शे वाला सोचता है इम्तहान देने जा रहा है ना, जरूरी है जाना, इसलिए आज ज्यादा पैसे लूंगा। वो कहता है 50 रुपए की कीमत है, 50 रुपया किराया है, 50 रुपया देकर जाओ। वो कहता है कि नहीं 20 रुपए की है। वो कहता है, भिखारी अगर हो तो तुम रिक्शे पे क्यों बैठ गए, अगर औकात नहीं थी क्षमता नहीं थी तो रिक्शे पे क्यों बैठे, पैदल होकर आते। बहुत डांटता है, गालियां देता है, अपशब्द कहता है और बहुत कुछ बोलकर, बुरा भला बोलकर, अंत में ये लड़का मायूस होकर, निराश होकर 50 रुपए निकाल कर दे देता है। और वो रिक्शा वाला तो गाली गलौज करते हुए चला जाता है, लेकिन उस बच्चे को जो चोट लगी ना दिल पे, अपमान के शब्दों की जो चोट लगी थी, उसके बाद से उसका सारा हौसला पस्त हो जाता है। और जब इम्तहान हॉल में जाता है, नियत समय पे जब उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर खोलकर जब देखता है और जब लिखने लगता है, तो अपने ही रटे हुए सवालों का जवाब भूल जाता है, क्योंकि वो अपमानजनक बातें कान में, कड़वी कड़वी बातें उस नौजवान के, उस छात्र के कान में वो बातें गई थी उस रिक्शे वाले की, और 4 साल की मेहनत को रिक्शे वाले के 5 मिनट की गालियों ने सब बर्बाद करके रख दिया। और अंत में वो बच्चा सब भूल गया, पूरा इम्तहान भी दे दिया मगर क्वेश्चन कोई भी पूरा नहीं किया, और अंत में फेल हो गया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, 4 साल की सारी मेहनत धरी के धरी रह गई। क्या हुआ? केतब नाम का राक्षस, कड़वे कड़वे शब्दों का राक्षस उसके कानों में वो डाल देता है, लावा की तरह पिघला देता है, और अंत में उसने सारी तैयारी, सारा हौसला, सब कुछ खत्म हो जाता है और मायूस हो जाता है, और 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। यही वो समय है जब केतब नाम का राक्षस पैदा होता है हम सभी के जीवन में। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी बिटिया है पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो कहती है कि गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, अब मैं बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में जाना चाहती हूँ, तो आप भी तैयार हो कि ठीक है बेटी तुम जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि बेटी की इच्छा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, फिर उसके बाद शादी करूंगी, अपने जीवन को जैसे है जीऊंगी। बेटी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई के लिए पैसे आप दे रहे हो, बेटी को मेहनत करनी है, बेटी को जिंदगी बनानी है, लेकिन कोई पड़ोसी का आदमी कह देता है बेटी को भेज रही हो शहर में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाक कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी, कड़वी कड़वी बातें माता पिता के कान में वो बोल देता है। और कुछ दिन के बाद आपकी अपनी होनहार बेटी, जो बेहतर जीवन में कर सकती थी, उसकी पढ़ाई बंद करा देते हो, घर पे बिठा देते हो, कैसे भी करके उसकी शादी कर देते हो, और अंत में उसकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है। तो उस बेटी की जिंदगी को नर्क किसने बनाया? किसी तीसरे इंसान की कड़वी बातें, जो केतव नाम के राक्षस के रूप में वो शब्द आपके कानों में गए, आपने गलत निर्णय किया, नतीजा क्या हुआ, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। और अगर बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या वो पिता खुश रहेगा, क्या वो माता खुश रहेंगे? लेकिन वो तीसरा आदमी बहुत खुश रहेगा कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। यही है केतव नाम का राक्षस, कड़वे शब्दों वाला राक्षस। आप रोज भगवान की पूजा करने जा रहे हो, बहुत श्रद्धा से करने जा रहे हो, कोई आदमी अचानक से कह देता है अरे ये ढोंग ढकोसले करने से क्या होगा, हमने भी बहुत पूजा किया, बहुत व्रत किए, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और उसकी बात सुन के, कड़वी बात सुनकर आप पूजा करना बंद कर देते हो। कोई बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, कोई आकर कह देता है तुम्हारे जैसे मैंने भी बहुत पढ़ाई की, कुछ नहीं किया, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, वो भी निराश हो जाता है और वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। याद रखिएगा, मालिक बनना है आपको कि नौकर बनना है, ये निर्णय आपको करना है, नहीं तो इस समाज में मधु नाम का राक्षस हमेशा पैदा होंगे, केतव नाम के राक्षस हमेशा पैदा होंगे। अगर आप मालिक हो
तो मधु और केटप को स्वीकार मत करना। मीठी बातें करके भी कोई आपको बर्बाद करना चाहता है, सतर्क रहना। नहीं तो होता क्या है, मीठी मीठी बातें करके लोग अपने मित्रों को शराब पिलाते हैं और रात्रि में उसके वसीयत नामे पे अंगूठा लगाते हैं। सुबह जब नींद खुलती है तब तक जमीन जायदाद सब खत्म, अब केस लड़ते रहो, टाइटल सूट का हिस्सा कोर्ट कचहरी में जाते रहो। एक दिन मीठी बातें की और पूरी जिंदगी भर की कमाई सब लूट ली उसने। याद रखिए, ये राक्षस आज भी पैदा होते हैं और हमेशा पैदा होंगे। कोई मीठा बोलकर लूट लेगा आपको, कोई कड़वा बोलकर लूट लेगा। अपने मन का मालिक बनो, क्या लेना है, क्या इनकार करना है, क्या स्वीकार करना है, ये निर्णय आप खुद करोगे तो आपके जीवन में कभी मधु और केतक नाम का राक्षस पैदा नहीं होगा। अब कथा का जो दूसरा प्रसंग है कि भगवान विष्णु पिता है लेकिन मधु केतक पैदा हुआ क्यों? क्योंकि पिता जब सोए रहते हैं तो कोई भी उनके कान में कुछ भी कह देगा और कुछ भी बुरा करवा देगा। यानी आप अगर माता या पिता हो, आपके बेटे बेटियों के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में अगर कोई गलत बात, उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो बेहोशी में होकर निर्णय मत करो। सोच समझ के, विचार करके, पूरी चेतना के साथ निर्णय करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेहोशी में कुछ मत करना, नहीं तो क्या होगा, मधु और केटप नाम के राक्षस तो पैदा होंगे मगर बेहोशी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय का नुकसान किसके ऊपर होगा? मधु केटप पैदा होते हैं भगवान विष्णु के ही कान से, मगर हमला किस पे करते हैं? हमला किस पे करते हैं, किस पे करते हैं बेटा? भगवान ब्रह्मदेव पे। और भगवान ब्रह्मदेव की संतान किनकी है? भगवान ब्रह्मदेव की संतान तो भगवान विष्णु के हैं। यानी आप अगर गलत निर्णय करोगे तो उसका खामियाजा, उसकी सजा आप ही के पुत्र और पुत्रियों को भुगतना पड़ेगा। भगवान विष्णु के निद्रा के कारण से मधु केटप पैदा होते हैं और अंत में भगवान विष्णु की ही संतान पर हमला करते हैं। और जब बेटे या बेटियों पे हमला होगा तो लड़ाई किसको लड़नी पड़ेगी? अपने बच्चों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही है जिंदगी, हमेशा ऐसे ही चलता है। यानी आप जरा देखिए, धृतराष्ट्र अंधा है, जन्म से अंधा है। गांधारी ने आंख पे पट्टी बांध ली है, 100 बच्चे हैं, 100 बेटे हैं। धृतराष्ट्र शकुनी को रख लेता है अपने साथ में, जो बुरा इंसान है, जो जुआरी है, जो जुआ खेलता है, पासे के खेल को खेलता है। लेकिन शकुनी को साथ में रखता है, नतीजा क्या हुआ? बुरे को साथ में रखा, उसका नतीजा ये हुआ कि वही शकुनी धृतराष्ट्र के बच्चों के साथ, गंधारी के बच्चों के साथ में रहता है और ऐसी गतिविधियां कराता है, ऐसी गलतियां उनसे कराता है कि अंत में सारे बच्चों को मरवा भी डालता है। शकुनी ने ही सबको खत्म करवा दिया। यानी आप जो करोगे उसका असर आपकी संतानों पर पड़ता है, इसलिए सोच समझ के करना। दूसरी बात, भगवान ब्रह्मदेव नाभि से पैदा हो रहे हैं तो आपको लग रहा होगा बड़ा आश्चर्य की बात है। आज के समय में ऐसा तो होता नहीं है, आज भी हो रहा है। जब हम पैदा हुए तो माँ के नाभि से ही तो हम सभी जुड़े हुए थे ना, आज भी यही हो रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ये वैज्ञानिक कथा है और आज भी यही घटनाएं घट रही है। तीसरी चीज, भगवान विष्णु ने मार डाला मधु केटप को। भगवान विष्णु ने मार डाला मधु केटप को उस समय जब मां आदि शक्ति मां भगवती अंतरिक्ष में आके खड़ी हुई। तो जरा ये सोचिए कि माता रानी ने क्या मधु केटप को मारा? माता रानी ने मारा या भगवान विष्णु ने मारा? कौन, किसने मारा मधु केटप को? मधु केटप को ना भगवान विष्णु मार रहे हैं ना माता रानी मार रहे हैं। मधु केटप को तो मधु केटप के बुरे विचार मार रहे हैं। माँ ने तो वरदान दे दिया था ना कि तुम अपनी इच्छा से चाहोगे तो मरोगे, नहीं तो नहीं मर सकते। बुराई पैदा मन में किसने किया? माँ तो आकर खड़ी है, माँ ने तो कुछ नहीं किया ना। भगवान विष्णु ने माँ के बारे में श्रद्धा से देखा, ममता से देखा, सम्मान से देखा तो भगवान विष्णु की रक्षा हो जाती है। और एक सुंदर स्त्री को बुरे विचारों के साथ में, वासना के विचारों के साथ में मधु केटप देखता है तो अंत में उनका पतन हो जाता है।
यानी स्त्री तो एक ही है, मां तो एक ही है, भगवान विष्णु की शुद्ध दृष्टि थी कल्याण हो गया, मधु के टब की अशुद्ध दृष्टि गंदी दृष्टि थी तो नाश हो गया, मां ने कुछ नहीं किया। हम जैसी दृष्टि रखेंगे, जैसा विचार रखेंगे, उसी के अनुसार से हमारी जिंदगी बनती या बिगड़ती है। बुराइयां उस वक्त तक आपके साथ कुछ नहीं कर सकती जब तक आप उसको स्वीकार ना करें। अच्छाइयां भी आपके जीवन में कोई अच्छाई नहीं ला सकती जब तक कि आप उसको स्वीकार ना करो। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुले हैं, आप पढ़ने ही नहीं चाहते, तो स्कूल कॉलेज कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और बड़े बड़े शराब के अड्डे भी खुले हुए हैं, लेकिन आप शराब खरीदने नहीं चाहते हो, तो क्या शराब के अड्डे कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ना बुराइयां छू सकती आपको, ना अच्छाइयां छू सकती। आप जिसको स्वीकार करोगे वही आपके जीवन में कुछ करेगा। आपके पास आम का बीज है, ये जैसे देखो भिंडी का बीज है, इस बीज को आप जाकर मिट्टी में डालोगे ही नहीं तो क्या इसमें से कुछ निकलेगा? ये बीज पड़ा कपड़ा रहेगा, कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। यानी जिसको आप स्वीकार करोगे वही आपके जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं के अनुसार से परिणाम लेकर आता है। तो ये जो कथा है ये हम सब की कथा है। अब ये छोटी सी कथा हमें क्या सिखा रही है? कान में कुछ भी मत सुनो, और सुनो तो उसको अंदर तक लेकर मत जाओ। यही सोचो, पहरेदार की तरह सोचो कि ये जो सुना इसको अंदर ले जाओ कि बाहर ही फेंक दो, या इधर से सुना इधर से निकाल दो। इसलिए भगवान ने दो कान दिए निकालने का भी, लेकिन बीच में दिमाग है ना? तो या तो आप निर्णय करोगे इधर सुना इधर से निकाला, या चाहो तो अंदर दिमाग में रख लो। तो आप क्या सुनना है, अच्छा सुनना है कि बुरा सुनना है, ये निर्णय आप करो। कुछ भी मत सुन लो, और कुछ भी सुन के जैसे कोई आता है चिल्लाते हुए, अरे कौआ कान ले गया कान ले गया, दौड़ गए कौए के पीछे, एक बार भी चेक नहीं करने की है कि नहीं, थोड़ा देख तो ले। तो वो काम मत करना कि कौआ कान ले गया तो दौड़ गए उसके पीछे, चेक कर लो, जान लो अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो हमने क्या सीखा इस कथा से? सोच समझ के सुनना, लेकिन सोच समझ के बोलना भी। आप उस रिक्शे वाले की तरह केटब मत बन जाना ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये भी मत करना। आप उस मधु के नाम की तरह मत बन जाना कि किसी की जिंदगी तबाह हो जाए। दूसरी चीज, अपनी दृष्टि अपने विचार पे हमेशा दृष्टि रखना, नहीं तो अच्छे या बुरे विचार हमारी जिंदगी को अच्छी या बुरी बना देते हैं। रावण की भी हत्या भगवान श्री राम नहीं करते हैं, रावण की हत्या रावण के बुरे विचार करते हैं, वासना के विचार करते हैं, पाप के विचार करते हैं। इसलिए सभी देवी देवता चले आए थे रावण के वध में श्री राम का सहयोग करने के लिए। अगर रावण बुरा नहीं होता तो भगवान श्री राम होते लेकिन मार नहीं पाते। अगर कंस बुरा नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण होते लेकिन मार नहीं पाते हैं। बुराइयां मारती हैं इंसान को। भगवान माँ आद्य भगवती ने मधु केटक को आशीर्वाद दिया संरक्षण प्रदान करने का, लेकिन जब आशीर्वाद का गलत इस्तेमाल किया तो वही मैया चली आती है, भगवान विष्णु को मारने का रास्ता भी बता देती है। यानी जिस माँ आद्य भगवती ने रावण की रक्षा की थी, भगवान शिव शंभु के आशीर्वाद से रावण की रक्षा हो रही थी, वही भगवान शिव शंभु ने जब देखा कि ये रावण तो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वही शिव शंभु श्री राम को भेज देते हैं। वही माँ आद्य भगवती नवरात्र के व्रत के बाद माँ ने आशीर्वाद दे दिया था, हे श्री राम जाओ, मेरे ही गण गंधर्व आपकी सेना के रूप में चलेंगे और उस रावण का वध करेंगे। यानी भगवान बचाते भी हैं और भगवान मार भी देते हैं। याद रखिएगा, बुरा करेंगे तो मारेंगे, और अगर अच्छा करेंगे तो संरक्षण भी प्रदान भगवान ही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति की, माँ जगदम्बा परम्बा की जय।